सबसे बड़ी बात भाई, आज मैं ना अपने ड्रीम ट्रक के स्टीयरिंग पे बैठा हूँ भाई। ये खुशी बहुत ज्यादा यार, मैंने आज से ना एक साल पहले इसकी वीडियो बनाई थी। और गाइस ऐसी का ये हो गया, हमारी ट्रिप हो गई। जैसे हम दो ड्राइवर हैं अभी इस समय, ये तो मेरा हो गया, तो पहले ही बता देगी। अगर गाड़ी में कोई दिक्कत होगी ना भाई, यहाँ दिखेगी मीटर का, देख रहे क्या बात है, क्या सारा कुछ आ जाता है इसमें, नोटिफिकेशन वगैरह जो भी। एक उधर, और दूसरी बात ये गियर देख रहे हो भाई, ये बस सेम मैनुअल हो गया, ऑटोमेटिक न्यूट्रल और रिवर्स। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस सुबह के 7 बज चुके हैं, फाइनली हम पहुंच चुके हैं खालघाट, क्योंकि गाइस रात को ना हम सावधान से लेट निकले थे, और ऐसा सीन हो गया आदिल भाई की गाड़ी का टायर वगैरह पंचर हो गया था, और उसके बाद ना रुकना पड़ा भाई। सुबह आके इमरान भाई ने गाड़ी यहाँ पर खालघाट में, और भाई सुबह गाड़ी यहाँ रोकना था, और अपनी मुलाकात हो गई। यहाँ देख रहे हो साहिल भाई आ गए हमारे साथ, क्योंकि इमरान भाई ने धोखा दे दिया, इमरान भाग गया दूसरी गाड़ी में, मतलब साहिल भाई की गाड़ी लेके आ रहा है। साहिल भाई आ रहे हैं बैंगलोर से आज, आपको पता भी है पहले भी दिलावर भाई के साथ ही जो बंदा है वही है ये भाई। तो गाइस करते हैं आज का व्लॉग यहीं से कंटिन्यू। अभी तक जिन भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया कर दो भाई, केले की मंडी तो कुछ होती नहीं है, काफ़ी बंदे चढ़ाते रहते हैं ना इतने राकेट पता नहीं क्या क्या यार। अगर किसी को मंडी वगैरह करनी होती है ना वो साहिल भाई से पूछ। साहिल भाई सबसे सख्त मंडी किस चीज़ की होती है? भाई ये ना बोलते ना कच्चे माल के किंग होते हैं ना, मतलब जो पक्के कच्चे माल पे चलने वाले। तो गाइस यहाँ रही अपनी गाड़ी। ओ चल चल भाग, मुझे शक्ल मत दिखाना आज के बाद। देख रहे भाई अलाई, देख रहे हो कितने मस्त। साहिल भाई सूखे माल में मजा भी है ना, अच्छा रेट होगा। आराम आराम से दे गाड़ी को भाई, देख रहे आराम आराम से आराम। कब निकले थे बैंगलोर से? अब हम निकले थे तो गाइस पहुंच चुके हैं भाई घाट में, और यहाँ देख रहे भाई यहाँ एक ही गाड़ी चढ़ गई है सिर्फ 10 चढ़ गई, और आराम से आराम से 3 नंबर बाइक लगा, 4 नंबर मत लगाओ, और भाई की गाड़ी रही यहाँ पे। देख रहे 14 चक्का गाड़ी का बिल्कुल जान। ओ नेहरो आदर भाई आस्ता आस्ता चल रहा है, क्योंकि भाई इस समय रात को टायर का नुकसान हो गया भाई, बोल्ट लग गया इसमें। आराम आराम से, आराम आराम से। हाइट देख रहे हो भाई, ओए होए इसका नुकसान करने का। तो गाइस लेबर्ड भाई पास आके पंप पे रुके, क्योंकि भाई की गाड़ी में ना तेल बहुत कम था। देख रहे हो आपने दो टैंकी फुल नहीं करवाई थी? दोनों करवाई थी, दिल्ली से करवाई थी, उधर पंचकुला से होके ले गई थी, फिर बैंगलोर सारी बात। भाई देख रहे हो दिल्ली से दो टैंकी फुल करवा के चले गए आपने, कहाँ बैंगलोर से वापस आके यहाँ डाली। और गाइस ऐसा सीन है ना, मतलब देखो 6-7 रुपए का हर जगह फर्क है। तो भाई को मैं अभी बोल रहा हूँ साहिल भाई को कि आप हमारे कश्मीर में ही जाएंगे, क्योंकि ये एप्पल का ट्रिप ये लगाएंगे। कश्मीर में 82 है भाई, और यहाँ में 97 या कुछ, मतलब 10-11 रुपए का फर्क है भाई, सोच लो। तो मैं भी सोच रहा हूँ अपनी गाड़ी को ना, एक्चुअली मेरी गाड़ी 11 टन है खाली गाड़ी, और 18 टन मर के पास करती है भाई। तो मैं सोच रहा हूँ गाड़ी का ना जो एक्स्ट्रा मटेरियल है ना वो कटवा के फेंक दें, गाड़ी को ना एक एक्स्ट्रा टैंकी वगैरह लगवा लें, क्योंकि भाई चलान तो होंगे एक्स्ट्रा टैंकी के लिए, बट क्या करें चलान वैसे भी एंट्री लगती है जहाँ मर्जी जो भी हो जाए। तो ऐसा है कि डीजल से पैसे 4 बच जाएंगे, मतलब 4-5 हज़ार का फर्क आ जाएगा। यहाँ देख रहे इमरान भाई आगे, इमरान भाई चला रहे हैं, यहाँ साहिल भाई, मैं फुल रेस्ट पे हूँ भाई, क्योंकि ये किशनगढ़ से अलग हो जाएगा। तो किशनगढ़ तक शाम तक आराम से। देवा भाई, हाँ जी देवा भाई, ड्यूटी लग गई अब? ड्यूटी लग गई, चलो भाई चलो भाई मेरे। तो गाइस कंटिन्यू चल रहा हूँ भाई, और अपनी दोनों गाड़ियाँ मिल चुकी हैं, ये हमसे पहले ही निकल के आ गई। देख रहे हो उमर भाई की गाड़ी में ना बिल्कुल हाइट नहीं है भाई, मेरी गाड़ी जैसी मतलब बिल्कुल हाइट नहीं है, और अपने दूसरे आदिल भाई की गाड़ी में ना फुल हाइट है भाई। तो चलो देखते हैं आदिल भाई का जुगाड़ पहले बॉर्डर से ही कर लेंगे, आरटीओ के पास पहुँचेंगे नहीं, वहाँ से अगर 2000 का चलान हो जाएगा वो बेस्ट रहेगा भाई, फिर कोई टेंशन कुछ नहीं है। तो अपना रखते हैं कंटिन्यू सफर, और यहाँ देख रहे हो मुस्तफा भाई सो गया, क्योंकि गाइस पूरी रात से नीक गाड़ी चला रहा था अपनी, और सुबह से मेरी, फिर मुझे पता ही नहीं था भाई। तो अब चलो देखते हैं क्या सीन रहता है, और बॉर्डर का सफर रहेगा सिर्फ 200 किलोमीटर बाद हम बॉर्डर चित्तौड़गढ़ पहुँच ही जाएंगे। पहुंच
चुके हैं जावरा भाई और दिन के 11:30 बज चुके हैं। अपनी गाड़ी को ग्रीस वगैरह करवा ली, उमर भाई रह गए पीछे, वो भी आएंगे और यहाँ रही अपने भाई की गाड़ी। ठीक है छोटे भाई, जाएंगे वीडियो चलते हैं। क्या हो गया इनको? जाए फिर तो मैं बैठता हूँ भाई के साथ। और उसको सोने दो, वो पूरी रात बीमार है भाई। चलो चलते हैं सीधा अपने देवा भाई के साथ बैठते हैं, क्योंकि गाइस आगे रुकेंगे और दाल बाटी भाई आपको पता भी है ना, दाल बाटी खाएंगे जरूर। चले भाई आ जाओ, आज मैं आपका खलासी हूँ भाई। इस सीट का ना कुछ अलग सा ही नजारा है भाई। जो भाई की सीट है देखो कितनी ऊंची है। अरे यार मैं आया था, ड्राइवर सीट पूरी बैठ गई थी। क्या कलकत्ता से रिटर्न आके देखो गाइस, ऐसा है ना कि जब मिलना हो ना नसीब में तो बंदा मिल ही जाता है, क्योंकि देवा भाई और मेरी सिर्फ फोन पे ही बात होती थी। आज अचानक सुबह सुबह सोए हुए थे भाई, इमरान भाई ने गाड़ी साइड लगाई सोया हुआ था और अचानक हम निकल गए यहाँ से भाई। भाई तब तक आ गया भाई, मिल गया, अच्छा लगा अपने देवा भाई के साथ मिले। तो गाइस यहाँ पहली बार लाइफ में देख रहा हूँ भाई एमपी पुलिस वाले, आज पहली बार देवा भाई पहली बार देख रहा हूँ। और यहाँ देख रहे हो सर्चिंग चल रही है भाई, स्पीड वाले, क्या बात है क्या बात है। शुक्र हम आराम से चल रहे हैं ना। इमरान भाई आ रहे हैं पीछे मैं सोच रहा था कि क्या पता चलाऊं ना, एमपी में भी पहली बार होगा। कभी मैं आज दिन तक चल रहा हूँ ना, मैंने कभी एमपी में पुलिस वाले नहीं देखे। अगर खड़े भी होते हैं तो बाहर वाली गाड़ी को नहीं रोकते, कभी भी नहीं रोकते, बड़ी गाड़ी को हाथ कर नहीं रोकते भाई, ऐसा होना चाहिए। और राजस्थान में जाते हैं ना, वहाँ भूख हड़ताल पहले शुरू हो जाती है उनकी। एमपी में तो सब एक ही चीज की दिक्कत, क्या बाकी तो तुम पुलिस वाले इतना वो कुछ नहीं कर सकते, बाकी आरटीओ बैरियर बंद हो जाए तो समझ लो क्या गया, मजा आ जाए। आपको क्या लगता है लाइफ में कभी ये राजस्थान सुधरेगा ऐसे आरटीओ? आज आपको पता है फिर से बॉर्डर लगा दी उन्होंने, ये बॉर्डर फिर से लग गई। हाँ पहले बॉर्डर बंद हो गई थी ना, बॉर्डर के साथ जो वो आरटीओ बैठ, आज फिर से लग गई। चलो देखते हैं क्या सीन रहता है वहाँ से, तो शायद 200 देता है। हाँ दाल बाटी वाला होटल आ गया फाइनली अपना, तो गाड़ी यहाँ क्या करते हैं पार्क, तो दाल बाटी खाते हैं फिर निकलते हैं। पहले चलते हैं सीधा दाल बाटी खाते हैं भाई, वही भीलवाड़ा होटल, वो तो मैं डेली नहीं दिखाऊंगा। पहले चलते खा के आते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं और रखते हैं अपना कंटिन्यू सफर, तब तक उमर भाई और दूसरे भाई भी आ जाएंगे। गाइस हो चुका है भाई अपना लंच करके यहाँ से निकल गए। और भाई यहाँ देख रहे हो नाका लगा हुआ है, ये क्या सीन है, क्या सीन है देवा भाई? स्पीड वाले खड़े थे ना, हाँ वहाँ से निकल रहे हैं स्पीड वाले, देख रहे हो गाड़ी कहाँ लगी हुई है और बंदे कहाँ खड़े हैं, ये पहली बार देख रहा हूँ भाई। तो चलो यहाँ से निकल रहे हैं भाई अपना कंटिन्यू सफर, अपनी गाड़ी आगे चली गई और उमर भाई और दूसरे भाई की भी गाड़ी आगे चली गई और देवा भाई पीछे रह गए। अपना सफर है किशनगढ़ तक, साथ है ना किशनगढ़ से हम भाई को बदल देंगे, भाई भाई खुद भी चले जाएंगे और भाई भी गाड़ी खाली करके वहाँ से भरेंगे सीधा कश्मीर का। तो गाइस फाइनली भाई पहुंच चुके हैं राजस्थान, हां नया गांव के मध्य प्रदेश बॉर्डर, हां मध्य प्रदेश बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं गाइस। देख रहे हो अपनी गाड़ी यहां पे लग चुकी है, क्योंकि कच्चे माल की गाड़ी है ना, और उसके बाद लाइन के बिना गाड़ी आएगी वहां पे। तो वहां देख रहे अपने भाई है आगे, भाई जगह दे रहे हैं या नहीं दे रहे ये नहीं पता भाई, तो देख रहे हैं अब। तो चलो अपनी गाड़ी पहले घुस जाए, उसके बाद देखो भाई कैसे गाड़ी घुसाएंगे। क्या बोल रहे हो भाई? दे रहे शुक्रिया जनाब। तो भाई पहुंच चुके हैं चित्तौड़गढ़ टूल पे भाई, और यहाँ देख रहे हो यहाँ लग चुका है जाम खतरनाक वाला भाई, देख रहे हो। और यहाँ देख रहे हो गाड़ी मिल गई हमें, क्या हुआ भाई साहब? क्या हो गया सर? क्या हो गया? लगी तो नहीं ना, बच गया ना? तो गाइस यहाँ लग चुका है भाई जाम तगड़े वाला, आप देखते हैं अपना फास्टैग कट हो रहा है या नहीं, क्योंकि सर्विस डाउन है ना, सर्विस की वजह से फास्टैग कट वगैरह नहीं हो रहा है। तो हमने फास्टैग आपको पता भी शीशे के साथ चिपकाया नहीं है, अब देखते हैं भाई यहाँ मतलब ये फायदा है अगर शीशे के साथ चिपकाया नहीं ना, 2 मिनट में फास्टैग कट वगैरह हो जाता है भाई। आप खींच के रखेंगे, देखते हैं आगे आरटीओ वगैरह मिलने का नहीं, क्योंकि आरटीओ यहाँ से ना भाग गया हमारे आगे के, अब पता नहीं वो कहाँ जाके बैठेगा भाई, आरटीओ का बहुत ज़्यादा डर है। उससे पहले अपने देवा भाई भी आ जाएंगे कहीं अच्छी सी जगह, देखते हैं वहाँ रुकते हैं भाई, पानी वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि गाइस ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। और भाई यहाँ चेक कर रहे हैं भाई, भयंकर भाई कैबन सारा खत्म हो गया। मैं तभी हमेशा बोलता हूँ जो रेडीमेड कैबन आता है ना भाई,
अगर उसको कोई भाई गाड़ी चला रहा है ना रेडीमेड कैबिन की, जिसका कैबिन बना हुआ है भाई, सेफ ड्राइव है, आराम से चला करो भाई, सुकून से, रिस्क मत लिया करो। अभी हमने टूल में भाई को भी पूछा, भाई ने बोला कि बंदा सेफ है और गाड़ी लगी सिर्फ ऊपर से जाके, दीवार के साथ लगी लेकिन ऊपर से जगह खाली थी, बंदा बच गया। चलो रब का शुक्र है कि बंदा बच गया। तो आगे चलते हैं कि रुकते पानी वगैरह पीते, गाड़ियाँ पीछे सारी रह गई। तो गाइस कंटिन्यू चल रहे हैं भाई, और अपने साथ गाड़ी चल रही है अपनी ड्रीम गाड़ी वॉल्वो। भाई देखो यार, अगर कोई मेरा भाई वॉल्वो वाला वीडियो देख रहा है ना भाई, ये वाली गाड़ी ना मुझे एक बार मिल जाए भाई, इस गाड़ी को ना एक बार राइड करूँगा भाई, एक बार से ड्राइव करना है, ये मेरा ड्रीम है भाई। अभी सुना है इसके बारे में कि ऑटोमेटिक गाड़ी है, इसमें गियर वगैरह नहीं है, तो देखते हैं हम ऑटोमेटिक गाड़ी चला के देखेंगे भाई। और भाई इसको ना देख के ना कसम से दिल खुश हो जाता है भाई, हमारे इंडिया में भी ऐसी गाड़ी है, बस ये दिल खुश होता है। तो गाइस शाम के 6:30 बज चुके हैं भाई, फाइनली हम पहुंच चुके हैं बिलवाड़ा पहुंच चुके हैं और अपने भाई मिल गए। देखो भाई गाड़ी के साथ ना मतलब आधा घंटा हम चलते रहे अपने भाई के साथ, यहाँ रहे अपने भाई, क्या नाम है आपका? मोनू नाम है भाई सर। मोनू भाई से मिल गया ना, बहुत अच्छा लगा भाई। और सबसे बड़ी बात भाई, आज मैं ना अपने ड्रीम ट्रक के स्टेयरिंग पर बैठा हूँ भाई, ये खुशी बहुत ज्यादा यार। मैंने आज से ना एक साल पहले इसकी वीडियो बनाई थी, और गाइस टैग चेक कर रहे हो, एक नंबर भाई। अब मोनू भाई से तो बात होती रहेगी, अगर हम दिन को कहीं मिलेंगे ना इसका रिव्यू करेंगे पूरा, और दिखाएंगे गाड़ी में क्या है, मतलब बैक साइड नहीं दिखा सकते, जो लोड वर्ड हुआ वो कुछ नहीं, और सील वगैरह कुछ नहीं दिखाएंगे, क्योंकि भाई अच्छा नहीं लगता ना, जो पर्सनल है वो कभी नहीं दिखाएंगे। बाकी गाड़ी के ना फ्रंट पे शो और अंदर से गाड़ी कैसी है वो सारी दिखाएंगे भाई। देखो ये मेरी ड्रीम गाड़ी है, और सबसे बड़ी बात भाई देख रहे हो, ये रहा एक्सीलेटर और ये ब्रेक, और यहाँ देख रहे हो और है ही नहीं तीसरा पैडल, मतलब ये वाली गाड़ी ना ऑटोमेटिक है भाई, सबसे बड़ी बात। और एक और चीज ये देख रहे हो भाई, नीचे आराम से अगर सोना है तो नीचे करके, हाँ पर्दे लग रखे हैं इधर में भाई, देख रहे हो वहाँ पर्दे लगे, पर्दे लग रखे हैं, यहाँ से ऐसे खोलो इसको, हाँ खोल के इधर से ऐसे कर लो, ओए होए होए, ये नीचे आ जाता है, ये नीचे कितना आता है और नीचे, नहीं ये तो नहीं आएगा और सबसे बड़ी बात भाई, इंडिया में भी एसी गाड़ियां चल रही है, वो भी बिल्कुल मिरर डाउन करने ही नहीं पड़ते भाई को। एक तो ये हो गया एसी का, ये हो गया हमारी ट्रिप हो गई, जैसे हम दो ड्राइवर हैं अभी इस समय, ये तो मेरा हो गया, ये मेरे पार्टनर का हो गया, इसमें दोनों का मिक्स होके बताता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी। बाकी गाड़ी में कोई भी सिग्नल आता है, कोई भी मतलब कमी है गाड़ी में तो पहले ही बता देगी, अगर गाड़ी में कोई दिक्कत होगी ना भाई यहाँ दिखेगी मीटर का, देख रहे क्या बात है, सारा कुछ आ जाता है इसमें, नोटिफिकेशन वगैरह जो भी, A to Z भाई, और क्रूज कंट्रोल वगैरह जो भी है सब इधर ही है। और यहाँ देख रहे हो कनाडा वाली फीलिंग्स भाई, सिर्फ रोड़े नहीं है अपने इंडिया में, बाकी सब ओके है। ये क्या है? ये हैंड ब्रेक है। क्या बात है, अभी लगी है क्या हैंड ब्रेक? जब जैसे 4x4 करते हैं गाड़ी को वो चीज़ है, और जैसे कि हाइट एडजस्टमेंट होता है कि गाड़ी को जैसे अभी ट्रॉली में जोड़ना है उसके लिए हो गया है। और जैसे कि ये भाई चढ़ाई चल रही है, कई बार भी ऐसा होता है घाट में गाड़ी रुक जाए, हाँ जी हाँ जी, तो उसके लिए भी है, ये बटन दबाए और भागेंगे जी, इसको दबा देंगे तो गाड़ी पीछे नहीं आएगा, सीधा निकलेगी जी, इसमें क्लच नहीं है ना, तो इसकी वजह से इसको लगाना जरूरी है। ठीक ठीक भाई, बाकी देख रहे हो बाकी सारा सिस्टम, ये चीज है अगर कोई भी इसको मतलब दबेंगे कोई गाड़ी में हमको दिक्कत हो गया तो कंपनी को पहले मैसेज करेगा, उसके बाद मालिक को मैसेज करेगा, फिर बेल्बो वाले को मैसेज करेगा, तीन जगह जाते हैं इसके मैसेज भाई, देख रहे हो ये वाला बटन प्रेस करेंगे अगर इनको कोई दिक्कत हो गई ना, ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो सीधा कंपनी में, और बैग दिखा देते, ये देख रहे हो इमरजेंसी एग्जिट रब ना करे कुछ ऐसा, अगर गाड़ी में कुछ ऐसा हो ना तो ये यहाँ से खोल के बंदा बाहर निकल सकता है, ऐसा ही है ना, यहाँ से खुल जाता है। और वहाँ देखो अलमारी, एक यहाँ पे अलमारी, और सबसे बड़ी बात भाई पीछे एक मिनट सीधे हो जाओ बेड पे, देखो भाई ये वाली चीज देख रहे हो, ओए होए होए, इमरान भाई आप कहाँ आप चले, इमरान भाई उधर से बोल रहे चला भाई, और यहाँ देख रहे हो खुली जगह है एक उधर, और दूसरी बात ये गियर देख रहे हो भाई,
ये बस सेम मैनुअल हो गया, ऑटोमेटिक न्यूट्रल और रिवर्स रिवर्स। और जैसे कि हमने मैनुअल में गाड़ी चलानी है तो यहाँ पे एक प्लस का और माइनस का बटन है, दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ये। तो जैसे कि अगर मैनुअल में डालेंगे तो हमको एक नंबर लगाना है गियर, तो यहाँ से माइनस करके लगाएंगे, क्योंकि ये बड़ी गाड़ी है, इसमें तीन नंबर से मतलब स्टार्टिंग करती है, कहीं भी मतलब कहीं भी गाड़ी उठाएंगे तो तीन नंबर से कंटिन्यू गाड़ी उठती है, तीन नंबर से। हाँ, तीन नंबर से उठेगी। इसके लिए भी अगर हमको एक नंबर में उठाना है तो फिर उसको माइनस में कर लेंगे, अगर हमको भी तीन नंबर में उठाना है तो प्लस करते जाएंगे, जितना प्लस करेंगे उतनी गाड़ी मतलब हमारी गियर बढ़ते जाएंगे, 12 गियर की गाड़ी है। तो भाई ऐसा सीन है, जब मैं भाई से मिलूंगा कभी हमारी तो बात होती रहेगी, अब जब भी हम के रोड पे तो बंदा मिलता रहता है, बस रब हमें सलामत रखे, बस ये दुआ किया करो। बाकी जब भी मिले ना इसका फुल रिव्यू अच्छे से करेंगे भाई। और एक और बात बोलना चाहता हूँ मैं अपने ऑडियंस को, भाई देखो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, फरवरी में मैं चला जाऊँगा दुबई अपने भाई के पास, एक महीना उनके साथ रहूँगा। अपना एक भाई उनसे बात हो रखी है, हमने बोला राजा भाई आप आ जाओ कुवैत में या सऊदी अरब में एक महीने के लिए, वहाँ की ट्रक लाइफ दिखाना जरूरी है। और यहाँ चेक कर रहे हैं कैमरे वैमरे सब लगे हुए भाई, सेफ्टी फुल सेफ्टी भाई। और यहाँ एक बंदा आराम से सो सकता है, और एक और चीज़ दिखा देता हूँ भाई, उधर से दिखाना ज़रा इमरान भाई, ये पकड़ना कैमरा। और भाई ये चीज चेक कर रहे हो, ये देखो जंपिंग है, मतलब सीट में कोई टेंशन नहीं है, ये बैठो सीट बैठ गई। जी जी भाई ये मजा है, बंदे का हाइट के हिसाब से एडजस्टमेंट करता है। और यहाँ इसका बटन भी है भाई, जी 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 इसमें बटन भी लगे हुए हैं। और दूसरी बात देखो हाइट मतलब नीचे से फ्यूचर दिखाएंगे, चलिए। लेकिन इसमें एक चीज टेंशन नहीं है, इसमें अगर बंदा होगा उसी हिसाब से एडजस्ट होगा, जितना वजन होगा उसमें, जितना आपका वजन होगा उस हिसाब से करेगा। क्या बात है, क्या बात है। तो चलो भाई आपको थोड़ा बाहर से भी दिखा देते हैं, और थैंक यू सो मच भैया का, क्योंकि भैया ने इतना थोड़ा दिया टाइम, भैया ने बोला दिखा दो कोई टेंशन नहीं है भाई। और यहाँ देख रहे हो भाई ये लगे हुए इसके सीट बटन देख रहे हो, ओए होए होए गाइस ये मेरी ये बैठ गई अपना, ये देखो ये इस नाले की गाड़ी, ये क्या ये खुद क्यों बैठी, मैं उतरा ये नीचे क्यों बैठ गई थी, अब इस पे हम लोड देंगे, इसमें प्रेशर से ऊपर जाता रहेगा। अच्छा प्रेशर से ऊपर, जी जितना इसमें प्रेशर डालेंगे वो हिसाब से अपना एडजस्ट करता है, फिर वापस जैसे कि हो गया अभी इस सीट चाहिए वो भी है, जंप नहीं करेगा जैसे गड्ढा में जाने के बाद जंप नहीं ऊपर कर देंगे, तो ये फायर रेजिस्टर क्या इधर देखिए, ये जंपिंग नहीं करेगा, जैसे कि हमको सीट को अभी एडजस्ट करना है, जैसे अभी नीचे करना है ये चीज़ बस एक जगह, हाँ समझ गया, करना है इसके लिए, इसके लिए होता है। क्या बात है। और इससे क्या होता है अभी जैसे कि हाइट हमारी ज़्यादा है, इसको हम नीचे कर सकते हैं जितने, ये क्या ये ऊपर जाएगा, ये क्या ये हमारा रिमोट है, इससे क्या होता है, इससे होता है अभी जैसे कि ट्राली हमको कहीं पर जोड़नी है, हाँ जी, इसके लिए हम जैसे इसको बटन दबाएंगे तो पीछे से हमारा उठना स्टार्ट हो जाएगा। ये वॉल्वो वॉल्वो ड्रीम गाड़ी भाई देख रहे हो, इंशाल्लाह एक ना एक दिन भाई ये गाड़ी परचेज करेंगे, बस होता है ना अपने भरोसा रखो हमेशा, अपने हौसले बुलंद रखने चाहिए भाई, एक ना एक दिन परचेज करके रहूँगा भाई, कभी ना कभी परचेज करेंगे। और इंडिकेटर वगैरह देख रहे हो, इसकी कीमत गाड़ी की कितनी होगी आइडिया से, 1,25,00,000 का है। ओ भाई रे 1,25,00,000 की गाड़ी भाई, 1,25,00,000 की, मतलब इसका शीशा भी एक बहुत ज़्यादा महंगा होगा, इसका साइड ग्लास एक साइड ग्लास 50,000 का है, मतलब सारा सेट। इमरान उठा ले ग्लास 50,000 का है। लगवाने में हाँ। तो भाई चलो भाई आ जाएं फिर यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि क्योंकि भाई लेट हो गए और अपनी गाड़ियाँ भी पीछे रह गई हैं। तो गाइज करते हैं साथों साथ इस ब्लॉग को ये, क्योंकि गाइज वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी रही है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। और भाई आपसे प्रॉमिस है जब भी कहीं दिन को भाई से मिलेंगे ना, आपने एक और भाई इशफाक भाई उनके साथ भी बात हुई है, अगर कहीं भाई को दिन को भाई से मिले ना तो फुल रिव्यू करेंगे भाई, ठीक है, मिलते हैं साथ कंटिन्यू ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।